तो भाई अपना इवनिंग आपका दो ट्रॉली का लक्ष्य था वो पूरा हो गया है, इसको डंप कर देते हैं और इसके बाद अपन गुड़ भरवाते हैं ट्रालियों में, गुड़ भरवा के फिर चलते हैं अपन घर पे उसको। अब अपन एक काम करते हैं, इस ट्रॉली को डंप नहीं करते हैं, जो रात वाली शिफ्ट वाले आएंगे 12 बजे के बाद तो वो इन ट्रॉली को खोल के जहाँ पे डंप करना होगा कर लेंगे, क्योंकि जो अपना जहाँ पे क्रेशर है उसके पास ही गन्ना डंप करना पड़ता है। जब ये गन्ना उठ जाएगा तो वो लोग इस वाले गन्ने को डंप कर लेंगे। और अपन क्या करते हैं, इस ट्रॉली को खोलते हैं और दूसरी ट्रॉली फंसाते हैं और उसके अंदर गुड़ भरवाते हैं, और जितने में गुड़ भरेगा उतने में मैं वो वाला ट्रैक्टर उठा के उस ट्रैक्टर से इस छोटा को इकट्ठा कर दूंगा वहां पे ले जाके। खोल दे खोल दे। बटराई फंसवा दूसरी। और पत्ती डालने पर है यार, अच्छी पत्ती और डाल ले। Let's do it. तो भाई वो लोग भर रहे हैं ट्रॉली, अपन इसमें कल्टीवेटर फंसा के ओवर का पंजा, अब इसका सेल्फ लग जाए तब है। अरे यार what the fuck? लफड़े ही है का है, तन्ने मोटर बंद कर रहा है का, मोटर बंद कर रहा है तन्ने, करो तन्ना निकल जान दे खो। एक्चुअली अपन क्या करेंगे कि जो ये मोटर है इससे कनेक्ट करेंगे, वो मोटर चालू कर देंगे तो ये हो जाएगा चालू। दिमाग बस एक चीज है, इस डायरेक्शन में घूम रही है तो पीटीओ भी इसी डायरेक्शन में घूमनी चाहिए, अगर उल्टी घूम गई तो लफड़ा हो जाएगा। जब अपन इसको सीधा चलाते हैं तो ये ऐसा ही चलता है, यानी कि फॉरवर्ड पीटीओ डालनी पड़ेगी। चलो ठीक है बन जाएगा काम, बंद कर दे। हाँ ये शाफ्ट जोड़ देते हैं और उसको यहाँ से चालू कर देते हैं। ले कर ले मोटर चालू, अपन धीरे से क्लच छोड़ते हैं, देखते हैं चालू होता है कि नहीं। हो गया, बस बंद कर दे बंद कर दे। बंद कर दो बंद कर दो। तेरा गजा हो यार मान गए। हाँ इनी गड्डी काली कर ले चालू कर ले, जो फसवा जो पंजा। अरे यार पंजा तो बहुत उल्टी जगह रखा है, वो रखा है, बन जाएगा शायद काम, नहीं बनेगा तो उसको हटाना पड़ेगा। जुगाड़ू भैया, तो इसको भी अपन फंसा लिया है। हाँ कर इसका अपन ने मोटर टाइम से एयर फिल्टर भी साफ नहीं किया है तो वो भी कर लेते हैं। चलो भाई इसको खोल दिया है। ओ व्हाट द फक मैन, ये जो डोरी है इसकी पंखी से टकरा रही थी, अगर पंखी फंस जाती डोरी के चिथड़े उड़ जाते या तो पंखी के चिथड़े उड़ जाते। ये वाला फिल्टर कभी नहीं निकालना चाहिए, गाड़ी
हाँ भी इंडा कर रहे ये तो पेट भर जाओ तुम दो तीन जने गेर हो तो पहले तो वो नहीं गेर हो तो ये काम अपन कंप्लीट नहीं ये काम अपन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। घर से आके काम कंप्लीट कर देंगे अदरवाइज लेट वेट हो जाऊंगा तो भाई ये कर देंगे। तो ट्रॉली खाली करवा के आते हैं कुछ खा पी के आते हैं। ट्रॉली काफी ओवरलोडेड है और ये लोग बिल्कुल लास्ट में बैठे हैं। मैं ज्यादा मंगाऊंगा तो इनकी फटके चार हो जाएगी। फॉर्म और अब चलो देखते हैं सोनालिका का सेल्फ लगता है या नहीं, क्योंकि अभी मैंने एक बार लगाया था तो लग गया था क्योंकि मैंने उसका थोड़ा एक्सीलेटर बार बार खींच दिया था और थोड़ी देर वो चालू रहा था तो थोड़ी बहुत बैटरी तो चार्ज हो गई होगी। तो लेट्स सी अब सेल्फ लगता है नहीं लगता। अगर अब इसने सेल्फ नहीं लगाया तो मैं वो वाला ट्रैक्टर लेके आऊँगा और इसके इधर मारूंगा सीधा, लग जाना चाहिए सेल्फ। एक दिक्कत है इसकी, अपन ने लिफ्ट उठा के रखी है। सेल्फ लगाएंगे तो ट्रैक्टर ज़्यादा लोड लेगा क्योंकि लिफ्ट उठे में सेल्फ लगता नहीं है। और अगर अपन सेल्फ रख देंगे और उसके बाद भी अगर सेल्फ नहीं लगा तो जब अपन उस ट्रैक्टर से धक्का देंगे तो धक्का देने में दिक्कत आएगी क्योंकि कल्टीवेटर नीचे रख जाएगा तो फिर फ्रिक्शन जनरेट करेगा। चलो लगा के देखते हैं। जय श्री राम। अरे यार इसलिए लिफ्ट ही गड़बड़ कर रही है। अब लिफ्ट रखूँ ना रखूँ, लिफ्ट अगर मैंने रख दी तो लफड़ा हो जाएगा। एक बार लगा, अरे यार लिफ्ट रख दी तो सेल्फ लग सकता है और लिफ्ट अगर और नहीं लगा सेल्फ तो धक्का भी नहीं दे पाएंगे अपन। कल्टीवेटर खोल के खींचना पड़ेगा। चलो भाई रखते हैं, रख दिया है अब भाई लग जाए हो गए पंगे, बन गया लफड़ा। लिफ्ट काश फिर लिफ्ट नीचे ना रखता। अब हो गया निपुर। चलो कल्टीवेटर खोलते हैं। तो भाई अब इस ट्रैक्टर को उस ट्रैक्टर में टोजन कर रहे हैं, कल्टीवेटर खोल दिया है। जान दे। बोस। चलो भाई अब इसको इकट्ठा कर देते हैं। कुछ छोटा वगैरह इकट्ठा करके मैं चला गया था घर पे और फिलहाल मैं घर से काफ़ी सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। डैडी गए थे घरेली, वो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए हैं जो कि अपने लिए खेत पे लेके जाना है। और तो मेरे पास कुछ यूरिया है, ये देखो दिख रहा होगा शायद आपको, कुछ भिंडी है जो कि वो करेली से लेके आए हैं जो कि रस में डलती है, जब गुड़ बनता है तो रस में डलती है, उसको प्योरीफाई करने के लिए जो रस में गंदगी रहती है उनको निकालने के लिए भिंडी डाली जाती है। और मेरे पास टिफ़िन है भैया के लिए और मेरे पास कुछ थालियाँ वगैरह हैं और थालियाँ बता रहा हूँ किस लिए है। मेरे पास कुछ मूंगफली है, वो भी सिकी सिकाई क्योंकि अपने लिए गुड़ पट्टी बनानी है तो इसलिए कुछ मैं मूंगफली और थाली वगैरह ले जा रहा हूँ तो उसमें अपन गुड़ मूँगफली का गुड़ पट्टी बनाएंगे। और पीछे एक डीजल भी है तो अपने लिए दोनों ट्रैक्टर में डीजल डालना है और कुछ फर्मा वगैरह है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि गुड़ बनाने के लिए चाहिए पड़ती हैं तो वो अपन ले जा रहे हैं।
तो फिलहाल चलते हैं खेत और अपन 11:30-12 बजे तक वापस आएंगे। 11:30-12 बजे तक अपना काम बंद हो जाता है तो फिर अपना आ जाते हैं वापस। तो लेट्स गो लेट्स गो। बोली लगाओ चिकने हो जाओ। तो अभी बज रहा है लगभग 3 और आप मौसम देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 6 बज रहे हूँ। तो मौसम को देखते हुए अपन स्प्रे कर रहे हैं सल्फर का, ताकि अपनी जो राहर है इसमें पाला ना पड़े। हैं सल्फर मदद करेगा अपने लिए तो साल लगने से बचाएगा। सल्फर अपन किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ठंड है, पाला पड़ रहा है, कोई भी दिक्कत है, तो आप सल्फर का स्प्रे कर सकते हो, उससे आप पाले से बच सकते हो। अदरवाइज आप पानी कर सकते हो। तो राहर को इस स्टेज पे तो अपन पानी कर नहीं सकते, अदरवाइज वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। अब अपन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये सूख जाए तो अपन इनकी हार्वेस्ट करके खेत को खाली करके कोई दूसरी फसल लगाएं। तो अगर अपन इसमें अब पानी दे देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। तो अपन पानी तो दे नहीं सकते, तो फिर अपन स्प्रे कर रहे हैं सल्फर का। अदरवाइज पानी देना सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। जिस टमाटर की फसल में आपको लग रहा है कि दो साल लग सकता है, पाला पड़ सकता है, तो आप उस पर पानी दे दो, वो बच जाएगी। और दाने का भरा बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है और अपन इसमें 0.050 भी दे रहे हैं। ये कौन है भाई? चंदा मामा है कि सूरज? सूरज कौन है? सूरज थोड़ी रिश्तेदार है। हाँ तो फिर चंदा मामा एक सूरज देवता है। समझ में नहीं आ रहा कुछ मेरे। वो देखो दिन में भी चंदा मामा निकल रहे हैं आजकल। सीधी कर ले। बड़ा वहां तैयार है। देखिएगा इतनी ट्राली भरी हुई है और यहाँ पर खबना थोड़ी हो चुकी है। ये गाइस ट्रैक्टर बारिश के कारण बहुत खबना हो चुकी है। डोरी बच चुकी है, ट्राली बहुत खेस के भर दिया। डैडी गुस्सा होंगे मुझे पता है, गालियां खानी है मुझे, खा लूंगा वो तो मैं खाता रहता हूँ। देखो ढेर ढेर देखो ढेर वो ढेर देखो बेचारा।